नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज से हम बहुत ही बेहतरीन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत के विभिन्न राज्यों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राज्य दर्शन के बारे में आज से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे मित्रों। तो फटाफट जुड़िएगा मेरे साथ और शानदार तरीके से राज्य दर्शन की इस सीरीज का आनंद है वो आनंद लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा मित्रों, सबसे पहले आज जिस स्टेट को या जिस राज्य को हम कवर करने वाले हैं वो राज्य रहेगा मित्रों हमारा गुजरात। गुजरात की संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एंशियंट साइट है, मिडाइवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूरिज्म सेक्टर को डेवलप किया गया है, किन शासकों के द्वारा शासन किया गया है, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ की इंपॉर्टेंट है, झील कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, हर एक बिंदु पर विस्तृत जो चर्चा विस्तृत चर्चा आज के इस विशेष सेशन के अंतर्गत हम करने वाले हैं। तो मित्रों फटाफट अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस सेशन का आनंद है वो आनंद मिल सके। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं डिस्कस करता हूँ, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को मित्रों। बेहतरीन तरीके से हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोब है, ये जो ग्लोब का मॉडल है, इस ग्लोब के मॉडल पर एग्जैक्टली हमारा गुजरात है, उस गुजरात की लोकेशन कहाँ पर दिखाई देती है। तो देखिएगा मित्रों, ये हमारी पड़ती है भूमध्य रेखा, ये पड़ती है हमारी भूमध्य रेखा, जीरो डिग्री या इक्वेटर के नाम से इसको जानी जाती है। वही मित्रों, इधर से जो हमारी लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है मित्रों, कौन सी लाइन बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है प्रधान मध्यान रेखा के नाम से इसको जाना जाता। तो ये है जीरो डिग्री प्रधान देशांतर या प्रधान मध्यान के नाम से, इस लाइन के इधर और जीरो डिग्री के ऊपर, ये जो बेसिकली ग्लोब का जो मैप है या ग्लोब का जो मॉडल है, उस ग्लोब के मॉडल में भारत का नक्शा यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर दिखाई पड़ता है। वही मित्रों, अगर भारतीय नक्शे के अंतर्गत हम गुजरात की लोकेशन के बारे में देखें तो यहाँ पर आपका जो गुजरात है वो गुजरात देखने को मिलता है। अगर मित्रों इस गुजरात को यहाँ से मैं जूम आउट कर दूँ तो आपको कुछ इस प्रकार का जो गुजरात का नक्शा है, गुजरात का नक्शा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। जो मित्रों हमारा उत्तरी जो भाग है वो किससे सीमाबद्ध है, पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। फिर मित्रों थोड़ा सा हम पूर्व की ओर जाएंगे तो राजस्थान की सीमा लगती है। फिर मित्रों इधर से हमारा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और फिर नीचे से महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है और उसी के साथ देखिएगा ये एक लंबा जो बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा है, ये बॉर्डर मित्रों लगभग 1600 किलोमीटर लंबा जो कोस्टल बॉर्डर है या फिर इसे बोला जाता है जलीय सीमा का निर्माण है, वो गुजरात के द्वारा जलीय सीमा का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर तो देखिएगा ये आपका सामान्य सा इंट्रो रह गया, सामान्य सा परिचय है कि गुजरात की एग्जैक्टली लोकेशन है, वो लोकेशन कहाँ पर है, ग्लोब में किस प्रकार का दिखता है, इसकी शेप किस प्रकार की देखने को मिलती है, ये सारे के सारे आपको सामान्य बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। आगे देखिएगा मित्रों, गुजरात के बारे में एग्जैक्टली इस भारत के मानचित्र के अंतर्गत आपको मैं दिखाऊँ तो आपका जो गुजरात है वो गुजरात देखिएगा मित्रों, यहाँ पर देखिएगा ये हमारा पड़ता मित्रों पूरा हमारा भारत को दो भागों में डिवाइड करने वाला। फिर मित्रों इस प्रकार से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर आपको पता है जो 23.5 डिग्री यानी कि मित्रों हमारी जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा गुजरात के बीच से होकर गुजरती है। वहीं मित्रों भारत को दो भागों में डिवाइड किया जाए ईस्ट और वेस्ट में तो गुजरात एक प्रकार का हमारे पास में वेस्टर्न साइड में स्थित एक स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो ये इसकी छुटपुट सामान्य सी छोटी मोटी बातें थी, वो छुटपुट इसका इंट्रोडक्शन है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। वही मित्रों इसके बारे में एग्जैक्टली बात की जाए तो गुजरात एग्जैक्टली ये हमारे पास में कब से देखा जाता है तो मित्रों गुजरात से पहले यहाँ पर कौन सा स्टेट हुआ करता था कमेंट सेक्शन में बताएगा। गुजरात से पहले इस पर्टिकुलर स्टेट का या इस पर्टिकुलर लोकेशन को किस नाम से जाना जाता था कमेंट सेक्शन में अपने ज्ञान का प्रदर्शन कीजिएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। शानदार तरीके से आज हम गुजरात स्टेट को डिस्कस करेंगे मित्रों। इस फुल ऑफ मंथ हम विभिन्न स्टेट को एक एक स्टेट को बारीक से उड़ाते हुए चलेंगे, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में किस प्रकार का नदियों से संबंधित, पर्वतमाला से संबंधित, झीलों से संबंधित, वहाँ के कल्चर से संबंधित, वहाँ के मित्रों हेरिटेज साइट से संबंधित किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, एंशियंट साइट, सब चीज़ों को आज हम उड़ाते हुए चलेंगे मित्रों। फटाफट बताएगा गुजरात को पहले किस नाम से जाना जाता था मेरे प्यारे साथियों। तो देखिएगा गुजरात को मित्रों 1 मई 1960 से पहले ये जो गुजरात था, गुजरात बॉम्बे नामक जो स्टेट था, इस बॉम्बे नामक स्टेट का पार्ट हुआ करता था, इसको पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। गुजरात है, गुजरात का गठन कब किया गया था मित्रों,
भारत के एक नए राज्य के रूप में 1 मई 1960 को इसका नए राज्य के रूप में बॉम्बे है, इस बॉम्बे स्टेट से अलग करके एक नए राज्य के रूप में गठन किया गया था भाई। चलिए मित्रों वापस हम लौटते हैं हमारे टॉपिक पर, थोड़ी सी बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में, देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू द सेम सेशन। मित्रों दिस इज ऑल अबाउट मी, मेरा इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ से देख सकते हो, और आरपीएससी कैटेगरी का आप सब्सक्रिप्शन लेके मेरे साथ बेहतरीन तरीके से जुड़ना चाहते हो तो आरपीएससी ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ज्वाइन करके रजिस्ट्रेशन करके आप शानदार तरीके से पहले फ्री प्लेटफॉर्म में, इस फ्री प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो, जहाँ से आपको पता चलेगा किस प्रकार से हमारा प्लेटफॉर्म रहता है, कैसे आपको पढ़ाया जाता है। इनके लिए आप फ्री कोड है मेरा सुरेंद्र लाइव, इस कोड के माध्यम से इसको एक्सेस कर सकते हो, जहाँ से आप फ्री कंटेंट को अचीव कर सकते हो। फतेह टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप शानदार तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, प्लस फीचर्स का बेनिफिट है, प्लस फीचर्स का बेनिफिट आप ले सकते हो। मित्रों देखिएगा बहुत ही बेहतरीन, जिस प्रकार से आपको पता है आगामी टेस्ट है, आगामी एग्जाम की घोषणा कर दी गई है आरपीएससी के द्वारा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एवरी सैटरडे को 10 बजे आपका जो प्लस पर टेस्ट है वो टेस्ट स्टार्ट की गई है आरएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए। वही मित्रों एवरी संडे को 10 बजे आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज चलेगी एसआई के लिए। तो कौन सी डेट को कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट होगा इसकी फुल डिटेल आपको यहाँ पर दी हुई है, इसके लिए आप प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट के लिए अलग से कोई चार्ज नहीं है, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी के अंतर्गत आप सब कुछ है वो बेनिफिट ले सकते हो। मित्रों ये मेरा रेफरल कोड है, कोड यूज कीजिएगा, कोड के साथ क्रेडिट यूज कीजिएगा, जहाँ से 20% का ऑफ है ऑफ आपको मिल जाएगा। रिसेंटली ढेर सारे बेचेज स्टार्ट किए गए हैं, चाहे आरएस की बात करो, जेवीएनएल की बात करो, रीट की बात करो, एसआई की बात करो, या मित्रों पटवार की बात करो, या फिर आरएस प्रीलिम्स की, ढेर सारे इस वीक आपको शानदार बेचेज है बेचेज मिलने वाले हैं। इन सभी बेचेज में ज्वाइन करने के लिए मित्रों आप अनअकैडमी है अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो, जहाँ पे मित्रों कॉलेज लेक्चरर से लेके आरएस से लेके सभी एग्जाम की जो आपके बेचेज है वो नए बेचेज स्टार्ट किए गए। चलिए एक बार फिर से लौटते हैं हम गुजरात स्टेट के बारे में। तो देखिएगा मित्रों आपके समक्ष जो गुजरात की लोकेशन के बारे में मैं बात करूं, तो भारतीय मानचित्र में यहाँ पर जो स्टेट है ये स्टेट की लोकेशन पड़ती है, इधर से यह पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, यहाँ से राजस्थान के साथ, यहाँ से हल्की सी मध्य प्रदेश के साथ, फिर महाराष्ट्र के साथ, और फिर ये गुजरात है वो कोस्टल बॉर्डर लगाता है, लगभग 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है, जलीय सीमा से बॉर्डर लगता है। वहीं मित्रों एक खास बात आती है, भारत में अगर सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर अगर किसी के साथ शेयर किया जाता है या कोई राज्य समुद्री सीमा सबसे लंबी सीमा का निर्माण करता है तो किसको जाना जाता है, गुजरात है, इस गुजरात को जाना जाता है। मित्रों आगे बढ़ते हैं, मित्रों धीरे धीरे गुजरात की हर एक पॉइंट पर चर्चा करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मित्रों थोड़ी सी बातें करते हैं, भारत है, इस भारत का सबसे पश्चिमी जो स्थान है वो सबसे पश्चिमी स्थान गुहर मोती नामक जो स्थान है वो यहीं गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मित्रों थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूँ, ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा ना मित्रों, इस रीजन को बोला जाता है सर क्रीक। देखिएगा एक मतलब मित्रों, एक जो क्षेत्र होता है जिसे बोला जाता है खाड़ी वाला जो क्षेत्र होता है, जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ रहता है, उसे क्या बोला जाता है मित्रों, खाड़ी बोला जाता है। वही मित्रों एक इस प्रकार सा कटा फटा सा जो क्षेत्र होता है ना, भूमि के अंदर धसा हुआ जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्रीक। और ये वाला जो क्षेत्र है वो अंग्रेज अधिकारी था जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया था, सर क्रीक नाम से इसको जाना जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है वर्तमान में भारत के क्षेत्राधिकार में है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा इस पर क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान और भारत के बीच में इसका डिस्प्यूट बताया जा रहा है, पाकिस्तान अपना अधिकार इस क्षेत्र पर बताता है। मित्रों एक सिद्धांत आता है जिसका नाम है थालवेग का सिद्धांत। क्या नाम है भाई? थालवेग का सिद्धांत है। और इस थालवेग के सिद्धांत के अनुसार क्या बताया जाता है, कोई भी दो अलग अलग देश है और उन देशों के बीच में अगर जलीय सीमा लगती है तो इन दोनों देशों के बीच की सीमा का जो निर्धारण है वो थालवेग का सिद्धांत क्या बोलता है मित्रों, थालवेग का सिद्धांत बोलता है कि दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के मध्य भाग जो होगा उस मध्य भाग से क्या होगा भाई, दोनों देशों की बीचों बीच की सीमा, बीचों बीच की सीमा का निर्धारण है वो निर्धारण किया जाएगा। यानी मध्य भाग, इस मध्य भाग का निर्धारण है वो निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा। वहीं मित्रों यहाँ पर भारत है, भारत इसी सिद्धांत के अनुसार क्या बोलता है कि थालवेग के सिद्धांत के अनुसार ये पूरा एरिया किसका होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर बोलता है कि भाई साहब ये तो चलिए बॉर्डर लगता ही नहीं है, यहाँ पर तो पानी है ही नहीं, तो थालवेग का सिद्धांत कैसे लगा और ये रीजन पाकिस्तान का होना चाहिए।
तो भारत इसका प्रत्युत्तर देता है कि मित्रों जब ज्वार और भाटा आता है तो ये वाला जो पूरा पूरा क्षेत्र है वो पानी से जलमग्न हो जाता है या समुद्री सीमा का निर्माण करता है, इसलिए ये भारत के क्षेत्राधिकार में होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना मित्रों, गुजरात के बारे में पूछा जा सकता है कि डिस्प्यूटेड जो एरिया वो एरिया कौन सा है, तो सरक्रीक नामक जो क्षेत्र है इसको लेकर पाकिस्तान और भारत के अंतर्गत विवाद है, हालांकि ये क्षेत्र बेसिकली भारत के अधिकार क्षेत्र में माना जाता है। वही मित्रों अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप के अकॉर्डिंग देखें तो मित्रों गुजरात है, इस गुजरात में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 33 जिले हैं। वहीं मित्रों गुजरात में कुल संभागों की बात करें या डिवीजन की बात करें तो गुजरात में चार संभाग है, वो चार संभाग में विभाजित है। कुल 33 जिले जो चार संभागों के अंतर्गत विभाजित है, विभाजित किया जाता है। वहीं मित्रों थोड़ी सी अगर इसके यहाँ के पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो मित्रों यहाँ की जो विधानसभा, इस विधानसभा की कुल सीटों की बात करें तो लगभग 182 टोटल यहाँ की सीटें हैं। वहीं मित्रों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में इनकी सीटें 11 है। वहीं मित्रों लोकसभा के अंतर्गत बात करें तो गुजरात में कुल लोकसभा की 26 सीटें हो, 26 सीटें हमारे देखने को मिलती है। तो ये इसका थोड़ा सा हल्का सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड में मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके बाद में देखिएगा गुजरात की इंपॉर्टेंट हिल्स कौन कौन सी है, गुजरात में कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं उपस्थित है उनके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। तो मित्रों मोटा मोटी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा एक जो हिल्स आती है जो अरावली के पार्ट के रूप में जानी जाती है, अरावली के हिस्से के रूप में जानी जाती है, वो आती है आबू हिल्स। आबू हिल्स से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वो आते हैं डांटा हिल्स, और डांटा हिल्स के बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये वाली जो हिल्स है इसे बोला जाता है छोटा उदयपुर की हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। फिर मित्रों देखिएगा हमने जैसा कि बात की थी विंध्याचल श्रेणी के बारे में, और विंध्याचल श्रेणी का जो हमारा गुजरात में एक्सटेंशन है उस एक्सटेंशन को राज्य पीपला के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिएगा यहाँ पर जो आपको नीचे जो हिल्स देखने को मिल रही है वो आपको क्या है, राज पीपला के नाम से इसको जानी जाती है। वहीं मित्रों देखिएगा यहाँ पर हमारे बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है खंबात की खाड़ी को टच करता हुआ, और इस खंबात की खाड़ी वाले टच के पास में यहाँ पर ये जो हिल्स है इसे बोला जाता है गिरनाक हिल्स। और यहीं पर मित्रों एक है यहाँ का टाइगर, एक जो यहाँ का मित्रों राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क स्थित है जिसको गिर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। वहीं इससे ऊपर आओगे तो यहाँ पर देखिएगा मित्रों ये वाला जो है उसे बोला जाता है मांडव हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये मित्रों यहाँ की प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला है या फिर प्रमुख जो हमारे पर्वतीय माला थी उसके बारे में हमने देखा, प्रमुख माउंटेन रेंज हमारे गुजरात में कौन कौन से देखने को मिलती है। जो देखिएगा मित्रों यहाँ पर अगर हम एग्जैक्टली इस वाले रीजन में अरावली की बात करें तो अरावली का जो विस्तार जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं मित्रों गुजरात, इस गुजरात से लेकर हमारा दिल्ली है, जो दिल्ली तक इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो ये गुजरात में जहाँ से प्रारंभ होती है वो ये वाला पार्ट आता है मित्रों। यहाँ पर देखिएगा ये गिरनाक हिल से, इस गिरनाक हिल से ये जो पूरा पूरा हमारा अरावली, इस अरावली का एक्सटेंशन यहाँ से प्रारंभ होता है, जो आगे जाके जो हमारा रायल सीमा वाला जो क्षेत्र है राष्ट्रपति भवन वहाँ तक इस अरावली का एक्सटेंशन देखने को मिलता है। वही मित्रों यहाँ पर देखिएगा ये वाली जो हिल्स देखने को मिलती है उस हिल्स का नाम आता है कच्छ हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये गुजरात की प्रमुख जो महत्वपूर्ण हमारे पास में हिल्स या फिर पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हम देखें तो प्रमुख पर्वतीय श्रृंखला के रूप में इनको देखा जाता है। वही मित्रों इसके प्लेन एरिया के बारे में देखें तो गुजरात का जो प्लेन एरिया है या फिर मैदानी क्षेत्र है नदियों के द्वारा निर्मित, ये वाला जो है गुजरात का प्लेन एरिया के रूप में जाना जाता है, गुजरात का समतल मैदानी क्षेत्र के रूप में इसको देखा जाता है। उसके बाद में आगे देखिएगा मित्रों गुजरात के बारे में और क्या क्या है, तो ये वाली जो इम्पोर्टेंट हमारे पास में हिल्स या माउंटेन्स या पर्वत श्रृंखला, उस पर्वत श्रृंखला के बारे में हमने यहाँ पर देखा है। आगे देखिएगा मित्रों ये जो गुजरात है, इस गुजरात का आउटलाइन जो मैप है, इस आउटलाइन मैप के बारे में यहाँ से देख सकते हो मित्रों। इसके साथ देखिएगा यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ना, तो ये वाला देखिएगा इस प्रकार से कटा फटा सा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, सरक्रीक के नाम से जाना जाता है, जो भारत और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या है, डिस्प्यूटेड एरिया के रूप में जाना जाता है, दोनों के बीच में क्या है, डिस्प्यूटेड एरिया के रूप में जाना जाता है। मित्रों अगर आपको इसके बारे में जानना तो मैं इसकी स्टोरी बता देता हूँ एग्जैक्टली इसके पीछे की क्या कहानी है, किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया था, तो सुनिएगा।
हुआ क्या था मित्रों, ये वाला जो पूरा पूरा क्षेत्र था यहां पर क्या था मित्रों, कच्छ है, उस कच्छ के राजा हुआ करते थे। वही मित्रों पाकिस्तान का ये वाला जो रीजन है वहां पर सिंध प्रांत के नाम से जाना जाता था और सिंध का नवाब है, वो सिंध का नवाब हुआ करता था। तो यहाँ के दोनों जो राजा, इन राजाओं के बीच में यहाँ पर लकड़ी काटने के लिए क्या हो गया था, लकड़ी काटने को लेकर लगभग 19वीं शताब्दी की बात है, लकड़ी काटने के लेकर इन दोनों के बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया। और इस विवाद के बाद में यहाँ पर अंग्रेजी सत्ता के एक अधिकारी थे सर क्रिक नाम के अधिकारी, उस अधिकारी के द्वारा इस पूरी पूरी सीमा का बाद में क्या किया गया था, विभाजन किया गया था। और इस विभाजन के लिए उन्होंने एक सिद्धांत काम में लिया था, 96 पिलर सिद्धांत के रूप में उन्होंने बताया कि ये जो समुद्र है, इस समुद्र में इस प्रकार के 96 पिलर है और इस पिलर के अनुसार इस रीजन का जो बंटवारा कर दिया गया था। तो तब से लेकर मित्रों ये भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत विवाद बना हुआ है, पाकिस्तान अपना अधिकार बताता है, भारत अपना अधिकार बताता है। भारत इस सिद्धांत के बारे में थाल्विक सिद्धांत है, उस थाल्विक के सिद्धांत के अनुसार इस पर अपना अधिकार है, अपना अधिकार बताता है। निसंदेह इस पर भारत का ही अधिकार है, वर्तमान में ये भारत के क्षेत्राधिकार की भूमि के रूप में देखा जाता है। चलिए ये मित्रों एक और शानदार सा मैप आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। गुजरात की राजधानी के रूप में आपको मैं बताऊँ तो गांधीनगर यहाँ की राजधानी आती है। वही मित्रों सबसे बड़ा शहर या सबसे प्रमुख सिटी के बारे में बात करें तो यहाँ का अहमदाबाद यहाँ का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर के रूप में जाना जाता भाई, बड़ा और प्रमुख शहर, जबकि ये वाली क्या आती है, राजधानी या कैपिटल के रूप में इसको जाना जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मित्रों। इसके बाद में देखिएगा मित्रों गुजरात है, इस गुजरात के इंपॉर्टेंट जो खाड़ी है उस खाड़ी के बारे में बता देता हूं मैं आपको। ये वाला जो रीजन है, ये वाली जो खाड़ी है गुजरात की, इसे बोला जाता है कच्छ की खाड़ी। किस खाड़ी के नाम से जाना जाता है मित्रों, इसको कच्छ की खाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। वही मित्रों ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन को गल्फ ऑफ खंबात के नाम से इसको जाना जाता है, या खंबात की खाड़ी के नाम से इस रीजन है, इस रीजन को जाना जाता है। मित्रों देखिएगा ये खंबात की खाड़ी है, इस खंबात की खाड़ी से यहाँ से प्रमुख नदियाँ हैं, वो प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है। यहाँ पे देखिएगा राजपीपला आपको दिखाई दे रहा है, और इस राजपीपला के पास से यहाँ से जो नदी है वो नदी आकर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो नदी गिरती है, यहाँ पर ये नदी जो अंत होती है, इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। वही मित्रों यहाँ से आप एक नदी देख पा रहे हो, राजस्थान है, इस राजस्थान से होकर एमपी से निकलने वाली एक नदी आती है, एमपी से निकलकर ये नदी गुजरात या राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में प्रवाहित होकर यहाँ से आके ये खंबात की खाड़ी है, इस खंबात की खाड़ी में एक नदी आ जाती है। वहीं मित्रों यहाँ से देखिएगा आप एक और नदी आती है जो राजस्थान के उदयपुर से निकलकर इस प्रकार से आकर ये जो खंबात की खाड़ी है, इस खंबात की खाड़ी के यहाँ पर ऊपर से आकर खंबात की खाड़ी है, इस खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो यहाँ की चार प्रमुख जो नदियाँ हैं मित्रों, ये चारों प्रमुख नदियाँ कहाँ पर आकर गिरती है, खंबात की खाड़ी, इस खंबात की खाड़ी में आकर विलीन होती है। वहीं मित्रों यहाँ पर देखिएगा ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ है, कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर राजस्थान से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है लूनी नदी, वो इसी क्षेत्र में आकर विलीन होती है। इसके अलावा मित्रों राजस्थान की सिरोही के एक नदी आती है जिसका नाम है पश्चिमी बनास के नाम से जाना जाता है, बनास, वैसे गुजरात में इसको बनास के नाम से जाना जाता है लेकिन राजस्थान में अपन पश्चिमी बनास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान की बनास नदी है, वो बनास नदी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है जो चंबल में जाकर आगे मिल जाती है, वो अलग नदी है। और ये पश्चिमी बनास सिरोही से निकलने वाली नया सानवारा नामक स्थान से निकलने वाली नदी है। ये दोनों नदियाँ इस कच्छ की खाड़ी में आकर विलीन होने वाली नदियों के रूप में जानी जाती है। तो इस प्रकार से देखिएगा ये कांडला पोर्ट यहाँ पर देखिएगा ये दिख रहा है, यहाँ का एक प्रमुख पोर्ट के रूप में जाना जाता है। जो राजस्थान है, राजस्थान का जो ट्रेड होता है इसी कांडला पोर्ट के माध्यम से ज़्यादा ट्रेड है, ट्रेड किया जाता है। वहीं मित्रों देखिएगा यहाँ से एक नीचे एक और नदी आती है, और इस नदी को आप किस नाम से जानते हैं, तापी नदी के नाम से, ये देखिएगा ये लिखा हुआ तापी नदी, और सूरत इसी तापी नदी के किनारे अवस्थित एक प्रमुख शहर के रूप में जाना जाता है। देखिएगा मित्रों ये सूरत है, ये भेरोंच है, ये वडोदरा है, ये इधर से आप देखिएगा भावनगर है। तो ये जो गुजरात है, इस गुजरात के जो प्रमुख शहर है जो गल्फ ऑफ खंबात के पास में स्थित होने के कारण, या फिर जलीय सीमा है, इस जलीय सीमा या समुद्र सीमा पर स्थित होने के कारण ट्रेड के लिए और ट्रेड के साथ साथ ट्रांसपोर्ट, यानी कि यहाँ पर मित्रों समुद्र की सीमा लगने की वजह से इनका जो ट्रेड है वो ट्रेड बहुत इजीली
दूसरे राज्यों के साथ या फिर दूसरे देशों के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सबसे सस्ता अगर परिवहन की बात करें तो मित्रों जो वाटरवेज है या फिर जो हमारा जलमार्ग है, जलमार्ग के माध्यम से सबसे सस्ते ट्रांसपोर्ट रूट के रूप में जाना जाता है। और गुजरात में मित्रों देखिएगा, ये जो प्रमुख शहर है, इन प्रमुख शहरों की सीमा खंभात की खाड़ी से लगती है, जहाँ से इजीली आरामदायक से जो ट्रेड है वो ट्रेड किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा मित्रों, हमने जो बातें की थी वो सारी की सारी बातें यहाँ से एक बार और देख सकते हो। ये आपकी खंभात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है। और इस खंभात की खाड़ी के अंतर्गत हमारे जो द्वीपीय प्रदेश है उसमें देखिएगा, यहाँ पर ये सोमनाथ है। इस सोमनाथ के पास में यहाँ पर देखिएगा एक जगह जिसका नाम है द्वीप, और इधर आता है दमन और इधर आता है दादर एवं नगर हवेली। तो यानी कि मित्रों गुजरात है, इस गुजरात का जो बॉर्डर है वो एक यूनियन टेरिटरी के साथ लगता है, और वो यूनियन टेरिटरी कौन सी है, DDDN, दमन एवं दीव और दादर नगर। मित्रों पहले इन दोनों यूनियन टेरिटरी को अलग अलग यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता था, केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जाना जाता था। लेकिन मित्रों वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उन दोनों के द्वारा इनका क्या है, यूनिफिकेशन करके इन दोनों को एक ही जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके रूप में घोषणा कर दी गई है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है भाई। इसके अलावा देखिएगा मित्रों, ये जो हमारा गुजरात है, इस गुजरात को चार प्रमुख जो रीजनल या मंडल या फिर हम बोलते हैं अगर राजस्थान के प्रस्पेक्टिव से देखें तो हम संभाग बोलते हैं, जैसे राजस्थान में 7 संभाग है ना मित्रों, उसी प्रकार से हमारा जो गुजरात है, इस गुजरात में 4 संभागों के अंतर्गत गुजरात विभाजित है। कितने संभाग में विभाजित है भाई, 4 संभाग में विभाजित है। तो ये 4 संभाग कौन कौन से आते हैं, एक देखिएगा, ये वाला उत्तर वाला है, इसे तो बोलते हैं नॉर्थ गुजरात के रूप में इसको जाना जाता है। फिर देखिएगा इससे नीचे आओगे तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं सेंट्रल गुजरात, सेंट्रल गुजरात के नीचे आओगे तो इसे बोलते हैं साउथ गुजरात। तो यानी गुजरात का उत्तरी भाग तो उत्तरी गुजरात, गुजरात का मध्य भाग है उसे सेंट्रल गुजरात, और दक्षिण वाला क्षेत्र है साउदर्न पार्ट है इसको दक्षिणी गुजरात के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं मित्रों देखिएगा, ये रण ऑफ कच्छ, कच्छ और ये वाला जो पूरा पूरा क्षेत्र है राजकोट वाला, इनको सम्मिलित रूप से सौराष्ट्र और कच्छ के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो क्षेत्र था वो कच्छ स्टेट के रूप में जाना जाता था पूर्व पाषाण काल में, और इसे सौराष्ट्र एक नए एक अलग से रियासत के रूप में जाना जाता था सौराष्ट्र, और इन दोनों को कंबाइंडली अब किस डिवीजन के रूप में जाना जाता है, सौराष्ट्र एंड कच्छ जो संभाग है, डिवीजन है या रीजन है या मंडल के रूप में जाना जाता है। गुजरात मित्रों टोटल 4 मंडल में विभाजित है, जिसका पूरा अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो 33 जिलों के अंतर्गत इसका विस्तार है, विस्तार हमारा देखने को मिलता है मित्रों। तो ये था मित्रों हमारे गुजरात, इस गुजरात के 4 जो हमारे पास में संभाग थे उन चारों संभाग, और इन चारों संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी है मित्रों, केवल आप इतना ही याद रखोगे 33 जिले हैं और 4 यहाँ पर मंडल है तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आप पूरे भारतीय भूगोल के दृष्टिकोण से इनको पढ़ रहे हो, ना कि स्टेट PCS के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। स्टेट PCS या फिर यहाँ के जो लोकल कॉम्पिटिशन की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कौन सा ज़िला कहाँ पर लोकेटेड है और वगैरह वगैरह चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। वहीं मित्रों गुजरात, इस गुजरात की जो राजधानी के बारे में देखें तो यहाँ से देख सकते हो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, जो यहाँ से आने वाली साबरमती नदी, साबरमती नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख शहर के रूप में जाना जाता है मित्रों। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कुछ सिंपल सिंपल सी चर्चाएं की हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। 1 मई 1960 को इसका गठन है, वो गठन किया गया था, कैपिटल के रूप में गांधीनगर को जाना जाता है, लार्जेस्ट सिटी सबसे बड़ी, एज आई सेड सबसे बड़ी जो सिटी है उस सिटी के रूप में किसको जाना जाता है मित्रों, यहाँ की सबसे बड़ी सिटी अहमदाबाद को सबसे बड़ी सिटी के रूप में जाना जाता है मित्रों। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं हमारे यहाँ पर, 33 जिले हो, 33 जिले आते हैं। ये अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर आप जानना चाहते हो तो ये इसको पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। वैसे मैंने 182 सीट है विधानसभा के अंतर्गत, 11 सीट राज्यसभा में और लोकसभा में 26 सीटें, ऑलरेडी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। अगर टोटल एरिया के बारे में बात करें तो मित्रों 1,96,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो गुजरात है वो भारत का 5वां सबसे बड़ा स्टेट के रूप में जाना जाता है। वही मित्रों पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो यहाँ की जो जनसंख्या है 6 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से गुजरात है उस गुजरात का 9वां जो नंबर है वो 9वां नंबर आता है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाइन्थ जो प्लेस है वो किसका आता है, गुजरात का आता है। ये सिंबल से यहाँ पर छोटे छोटे सिंबल बताए हुए हैं, यहाँ का राज्य जो पक्षी कौन सा है, पशु कौन सा है, फ्लोर कौन सा है, फ्रूट कौन सा है, ट्री कौन सा है, ये यहाँ से आप है वो देख लीजिएगा मित्रों। चलिए अब गुजरात के बारे में एग्जैक्टली मित्रों हम बात करें तो गुजरात की जो तटीय सीमा के बारे में बात करें तो मित्रों ये वाली जो टोटल बॉर्डर है, ये वाला जो पूरा पूरा कोस्टल बॉर्डर है वो 1600 किलोमीटर की सीमा बद्ध करती है। और भारत के अंतर्गत अगर जलीय सीमा की बात करें या भारत के अंतर्गत मित्रों सबसे लंबी सीमा बनाने वाला, जलीय सीमा बनाने वाला अगर कोई राज्य की बात करें तो मित्रों हमारा गुजरात है। गुजरात है सबसे लंबी सीमा बनाने वाले राज्य के रूप में जाना जाता है। ऑलरेडी हमने बाकी चीज़ें देख ली थी, आगे देखिएगा मित्रों। गुजरात के बारे में एग्जैक्टली हम बात करें तो मित्रों गुजरात का गांधीनगर यहाँ की क्या है, कैपिटल है, जबकि सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो अहमदाबाद है। वहीं मित्रों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के साथ सीमा लगाता है, अरब सागर से सीमा लगाता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव, ये जो सारा का सारा मित्रों पहले क्या था, अलग अलग ये यूनियन टेरेटरी था, लेकिन अब इसकी क्या है, एक ही यूनियन टेरेटरी के रूप में इसको जाना जाता है। और गुजरात है वो राजस्थान से भी सीमा, वो सीमा साझा करता है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो बातें आप ध्यान है वो ध्यान रख लीजिएगा मित्रों, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कौन कौन सी यहाँ पर किस जो पहाड़ियाँ कौन कौन सी, इन पहाड़ियों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कहाँ पर कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो यहाँ पर देखिएगा मित्रों ये वाली जो पहाड़ियाँ हैं ये आबू हिल से, ये वाली दांता हिल से, फिर छोटा उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा जो हमारे पास में मित्रों जैसा कि हमने देखा था विंध्याचल है, इस विंध्याचल का मित्रों जो हमारा गुजरात में एक्सटेंशन होता है, इस गुजरात के एक्सटेंशन को यहाँ पर स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, राजपीपला है, इस राजपीपला के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये वाली जो हिल्स है इस हिल को राजपीपला हिल्स के नाम से जाना जाता है। वहीं मित्रों ये जो गुजरात है, इस गुजरात का ये वाला जो पार्ट से, इस पार्ट में जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी को गिरनार हिल्स के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मित्रों हम पढ़ते हैं अरावली है, इस अरावली का जो एक्सटेंशन है वो गुजरात में गिरनार हिल से, उस गिरनार हिल से प्रारंभ होकर दिल्ली है, दिल्ली तक एक्सटेंशन है। तो यहाँ से जो हमारी जो ये पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों से ही अरावली का एक्सटेंशन प्रारंभ होता है। फिर यहाँ पर देखिएगा ये वाली जो हिल्स है उसे कच्छ हिल्स के नाम से, और यहाँ वाली जो पहाड़ियाँ इनको मांडल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इस मांडल पहाड़ियों से देखिएगा ये छोटी छोटी जो नदियों का उद्गम होता है, इन्हीं नदियों के कारण ये जो काठियावाड़ है, इस काठियावाड़ का जो तटवर्ती मैदान है, इस तटवर्ती मैदान का निर्माण है मांडल की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों के रूप में होता है। वहीं मित्रों ये कच्छ का रण है, इस कच्छ के रण में यहाँ से देखिएगा इसके जस्ट पास से एक नदी आती है जिसका नाम है इंडस नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी, और इसकी ट्रिब्यूटरी के रूप में यहाँ वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्लाइनिटी है वो अलग होती है, वाष्पीकरण अधिक होने के कारण ये जो कच्छ का रण है वो कच्छ का रण एक सफ़ेद मरुस्थल के रूप में इसको जाना जाता है, वाइट डेजर्ट के रूप में इसको जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है मित्रों, इसको वाइट डेजर्ट, सफ़ेद मरुस्थल के रूप में इसको हम जाना जाता भाई, ध्यान रखिएगा विशेष वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में देखिएगा ये पहाड़ियां हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कहां पर कौन सी पहाड़ियां स्थित है, ये गिरनार हिल्स से, मांडल हिल्स से, कच्छ की पहाड़ियां हैं, ये वाली आबू हिल्स से, आबू हिल्स के अलावा ये दांता हिल्स से, इसके अलावा छोटा नागपुर, और ये वाली है राजपीपला। नदियों के बारे में ध्यान रखिएगा, यहां से मित्रों आपकी जो अलग अलग नदियां आती है, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, और इधर से आती है उसका नाम है तापी नदी, ये यहाँ की चार मेजर प्रमुख नदियों के रूप में इनको जाना जाता है भाई। अब देखिएगा फिजिकल फीचर्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने जो चर्चा की वो चर्चा आपको ऑलरेडी हमने आपके समक्ष प्रस्तुत है, वो प्रस्तुत कर दिया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ के पार्ट्स आते हैं उन पर हमने चर्चा कर ली है, इनको आप नोट डाउन है वो नोट डाउन कर लीजिएगा मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ईजिली आप है वो याद है वो याद कर सको, ठीक है भाई। गुजरात है, इस गुजरात का देखिएगा बेसिकली अगर हम विस्तार से देखें तो गुजरात है मित्रों, गुजरात की जो सीमा है किसके साथ लगती है, समुद्र के साथ सीमा लगती है। और मित्रों एज वी नो दैट समुद्र के साथ जिस स्टेट या जिस लैंड पार्ट की सीमा समुद्र के साथ लगती है वहाँ पर जलवायु का एक विशेष कारक फैक्टर देखने को मिलता है, उस फैक्टर को बोलते हैं महाद्वीपीय प्रभाव से ज़्यादा महासागरीय इम्पैक्ट है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है। और महासागरीय इफेक्ट या महासागरीय प्रभाव जहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है वहाँ पर मित्रों टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल सा टेम्परेचर बना हुआ रहता है, लगभग 21 से 28 29 के आसपास का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मित्रों ज़्यादा है वो सर्दियाँ और ज़्यादा गर्मियाँ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है,
यहाँ पर थोड़ा सा उमस से उमस सा मौसम देखने को मिलता है आपको। तो ये गुजरात है, इस गुजरात में देखिएगा मित्रों, यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि की बात करें, तो मोटा मोटी मित्रों यहाँ पर जो हमारे सिंपल से फसल है उस फसलों का उत्पादन किया जाता है, बाजरी का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा मित्रों ये जो प्रोडक्शन के बारे में देखें तो सबसे मेजर प्रोडक्शन के रूप में यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए इसको जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है भाई? पेट्रोलियम उत्पादन है, इस पेट्रोलियम उत्पादन के लिए ज़्यादा इसको देखा जाता है। बाकी देखिएगा मित्रों जो सिंपल जो हमारी फसल है, कॉटन है, गन्ना है, गेहूँ है, ठीक है, जो हमारी दालें हैं, इनका जो उत्पादन है, इनका उत्पादन हमारे मुख्य फसलों के रूप में गुजरात, इस गुजरात में मुख्य फसल के रूप में उत्पादन किया जाता है भाई। नदियों के रूप में देखें मित्रों, एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको नदियों के बारे में सिंपल सा बताया था कि देखिएगा यहाँ पर मांडल की पहाड़ी आपकी अवस्थित है और इस मांडल की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ, इस नदियों के कारण ये जो पूरा पूरा प्लेन एरिया, इस प्लेन एरिया को बोलते हैं काठियावाड़ का मैदान, काठियावाड़ के तटवर्ती मैदान का निर्माण करती है। वहीं मित्रों यहाँ से राजस्थान से लूनी और पश्चिमी बनास जो नदियाँ हैं, इस नदियों और यहाँ पर सिंधु नदी है, सिंधु नदी के कारण ये वाला जो रीजन है, इस समुद्र में अधिक वाष्पीकरण होने के कारण यहाँ पर सफ़ेद चादर बिछ जाती है और ये जो सफ़ेद चादर वाला है ऊसर का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। वही मित्रों यहाँ पर आप एक प्रमुख नदी के रूप में देखें तो साबरमती नदी है, साबरमती नदी पर ही साबरमती रिवर फ्रंट का जो निर्माण किया गया है गुजरात में, वो इसी नदी पर किया गया है। और यहाँ पर तीन प्रमुख शहर की बात करें तो एक तो देखिएगा यहाँ पर साबरमती नामक जो शहर है वो स्थित है, गांधीनगर नामक शहर है और अहमदाबाद, गुजरात के तीन मेजर जो शहर है, ये तीन मेजर शहर इसी नदी के किनारे पर अवस्थित माने जाते हैं। वही मित्रों इसका उद्गम है साबरमती नदी का हमारे राजस्थान के उदयपुर में पादराला हिल से, इस पादराला हिल से इस नदी का उद्गम होता है। वही मित्रों एक और यहाँ की नदी देखने को मिलती है और इस नदी का नाम है माही नदी के नाम से इसको जाना जाता है, जो यहाँ से निकलकर मित्रों यहाँ पर जो खंबात की खाड़ी है, इस खंबात की खाड़ी में गिरती है। एमपी से मित्रों इसका उद्गम होता है, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से जो महेंद्रगिरी झील है, ठीक है, उस महेंद्रगिरी झील से हमारी इस नदी का उद्गम होता है, जो गुजरात में आती हुई या खंबात की खाड़ी है, इस खंबात की खाड़ी में आकर विलीन है, विलीन हो जाती है। वहीं मित्रों अगर हम बात करें, ये जो यहाँ पर देखिएगा आपकी एक और नदी आती है जिसका नाम आता है नर्मदा नदी, और ये नर्मदा नदी के किनारे मित्रों गुजरात का जो प्रमुख शहर है, ये प्रमुख शहर इस नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है और इस नर्मदा नदी का उद्गम है मित्रों विंध्याचल है, इस विंध्याचल का एमपी में जो एक्सटेंशन है उस एक्सटेंशन में मेकाल या अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से मित्रों इस नदी का उद्गम होता है। तो ये नर्मदा नदी वहाँ से निकलकर हमारे गुजरात में बहती हुई जो खंबात की खाड़ी, इस खंबात की खाड़ी में आकर विलीन हो जाती है। फिर मित्रों यहाँ पर देखिएगा सूरत एक प्रमुख शहर स्थित है तापी नदी के किनारे, और इस तापी नदी का जो उद्गम है वो बैतूल के पठार से होता है। कहाँ से होता भाई? बैतूल का जो पठार है हमारा सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज से बैतूल का पठार है, इस बैतूल के पठार से इस नदी का उद्गम होता है। वही मित्रों ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के यहाँ पर देखिएगा विंध्याचल है, विंध्याचल श्रेणी स्थित है, और विंध्याचल के बाद में देखिएगा यहाँ पर एक और श्रेणी स्थित है जिसका नाम है सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे हमारी महाराष्ट्र में अजंता एलोरा। तो ये नर्मदा नदी घाटी और तापी दोनों दोनों घाटी में बहने वाली या खाइयों में बहने वाली नदियों के रूप में जानी जाती है। तो नर्मदा नदी है वो नर्मदा नदी घाटी का निर्माण करती है, वहीं तापी नदी है वो तापी नदी घाटी का निर्माण है, निर्माण करती हुई खंबात की खाड़ी, इस खंबात की खाड़ी में आकर विलीन है, विलीन हो जाती है। दोनों ही प्रमुख नदियों के रूप में जानी जाती है। जो यहाँ के जो मेजर जो डैम है वो मेजर डैम भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, सरदार सरोवर डैम के नाम से उसको जाना जाता है। वहीं मित्रों साबरमती नदी के यहाँ पर साबरमती फ्रंट, रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया। अपने यहाँ पर राजस्थान में भी अगर आपको याद हो तो जयपुर में एक नाला था अम्बानी शाह नाला, और इस नाले का भी यहाँ पर देखिएगा पुनर्उद्घाटन करके यहाँ पर इसका एक नई दोस्तों रिवर फ्रंट के रूप में डेवलप किया गया है, जिसे द्रव्यमती नदी रिवर फ्रंट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो सेम उसी के आधार पर इसका विकसित है, विकास विकास किया जा रहा है। सिमिलरली नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी पर ये इस प्रकार का रिवर फ्रंट है वो बनाया गया है मित्रों। इसके बाद में देखिएगा मित्रों ये मेजर रिवर्स है, इस रिवर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। मोटा मोटी तो देखिएगा चार नदियाँ देखी जाती है, इसके अलावा छुटपुट नदियों में देखिएगा पश्चिमी बनास भी यहाँ की प्रमुख नदी के रूप में देखी जाती है। इसके अलावा हमारी लूनी नदी है, जो लूनी नदी है इस लूनी नदी को भी यहाँ की एक प्रमुख मेजर रिवर के रूप में देखा
जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ की इस वाली इस दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियों के रूप में जानी जाती है। तो विस्तार से अगर आप नदियों के बारे में पढ़ो गुजरात की, तो बनास, साबरमती, ये यहाँ की प्रमुख जो नदियां, इन नदियों के बारे में यहां से आप पढ़ सकते हो मित्रों। चलिए, ये यहाँ की नदियां हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने नदियों के बारे में आपको बता दी। कहाँ से इसका उद्गम होता है, एमपी के अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहां से इस नदी का उद्गम होता है। और इसी नदी के पास में देखिएगा, ये जो अमरकंटक की पहाड़ी है, इधर से तो नर्मदा नदी निकलती है, वहीं इधर से देखिएगा एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, और इधर से निकलती है महानदी। ये तीनों नदियां मित्रों अमरकंटक के पठार से या अमरकंटक की जो श्रेणी है वहां से निकलती हुई आगे आती है। नर्मदा नदी है, वो नर्मदा नदी मित्रों गुजरात में बहती है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रमुख नदियां हैं, उन नदियों में नर्मदा नदी को देखा जाता मित्रों। आगे देखिएगा, साबरमती नदी है, देखिएगा ये मित्रों पूर्व पाषाण काल में क्या होता था, एक नाला हुआ करता था, और इस नाले का देखिएगा रिकनराइजेशन करके यहाँ पर इसको प्यूरिफाइड करके यहाँ पर साफ पानी है, उस साफ पानी को यहाँ पर छोड़ के पर्यटकों के लिए देखने के लिए एक प्रकार का शानदार रिवर फ्रंट है, इस रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया है। और इसी के आधार पर या इसी प्रकार से हमारे जो राजस्थान है, द्रव्यमती नदी का जो रिवर फ्रंट है उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। और ये कहाँ पर किया जा रहा है, जयपुर में किया जा रहा है भाई, अगर आपने देखा हो तो जयपुर में। और इसी प्रकार से यहाँ पर प्रमुख पर्यटक के रूप में इसको जानी जाती है। वैसे साबरमती नदी थोड़ी सी ज़्यादा चर्चा में है, अगर आपको याद हो तो थोड़े टाइम पहले यहाँ पर एक सुसाइड केस भी आया था, तो वो यही साबरमती नदी थी, हंसते हंसते उन्होंने वीडियो बनाया था, ठीक है। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। माही नदी के बारे में देखिएगा, एमपी से निकलती है, इसके बारे में भी हमने बात की थी। माही नदी, ये आपकी माही नदी है मित्रों, जिसमें गुजरात है, इस गुजरात में कांडला पोर्ट है, इस कांडला पोर्ट का निर्माण किया गया। कांडला पोर्ट क्या, गुजरात के अंतर्गत एक डैम है, उस डैम का निर्माण यहाँ पर किया गया भाई, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, ये नदी भी यहाँ की गुजरात की एक प्रमुख नदी है। इन नदियों के बारे में आप देख लीजिएगा, हिरण नदी, किम रिवर, रूपन नदी और तापी नदी। बस यहाँ की जो मेजर रिवर के बारे में देखें तो तापी, नर्मदा, साबरमती और माही नदी, ये यहाँ की प्रमुख नदियों के रूप में इनको देखा जाता। तो ये नदियाँ आप याद है वो याद रखिएगा। चलिए मित्रों, अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम देखते हैं मित्रों, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारे गुजरात के कौन कौन से जो साइट है या स्थल है जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल है, वो शामिल किया गया है। तो यहाँ की प्रमुख सिटियों में देखिएगा तीन चीज़ें आती है। एक तो हमारी आती है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। मित्रों, ये जो अहमदाबाद है, इस अहमदाबाद में देखिएगा जिस प्रकार की सिटी का पुराने जो मकान जिस प्रकार से जिस स्ट्रक्चर में बनाए गए हैं, उन मकान को देखो तो मित्रों लगभग हमारी 15वीं शताब्दी के अंतर्गत या 1411, यहाँ पे देखिएगा लगभग 1411 से लेकर अब तक यहाँ की जो विशेष जो आकार या आकृति जो देखने को मिलती है, इस प्रकार की सिटी का डेवलपमेंट है। तो इस सिटी को, अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, शामिल किया गया है। वही मित्रों, ये एक बावड़ी है और इस बावड़ी का नाम आता है रानी की वाव। रानी की वाव अगर आपने देखा हो तो मित्रों, 100 रुपीज का जो नोट आता है, 100 रुपये का जो नोट है, उस 100 रुपये के नोट के पीछे देखना जो फोटो है, फोटो इसी रानी के बाव का फोटो है। ये क्या मित्रों, एक बावड़ी है, स्टेप वेल है। पूर्व पाषाण काल में मित्रों या मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम देखें तो जल संरक्षण, इस जल संरक्षण की एक प्रमुख विधि के रूप में इसको देखा जाता था। और इस रानी के बाव को भी किसमें शामिल किया गया मित्रों, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा तीसरी जो साइट है वो चंपानेर है। चंपानेर वाला जो आर्कोलॉजिकल पार्क है, इसको भी मित्रों किसमें शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, वो शामिल किया गया है। तो ये गुजरात के तीन प्रमुख हेरिटेज लिस्ट में शामिल जो क्षेत्र है उनके रूप में देखा जाता है। अब देखिएगा मित्रों, गुजरात, इस गुजरात के जो अभयारण्य की बात करें तो अभयारण्य की लिस्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जबकि मित्रों गुजरात के अंतर्गत हमारे पास में चार जो प्रमुख जो नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क के बारे में याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चार नेशनल पार्क में देखिएगा कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.7% पर हमारे पास में क्या है, फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट देखने को मिलता है। वहीं चार हमारे पास में राष्ट्रीय उद्यान है और 21 यहाँ पर जो सेंचुरीज है वो सेंचुरीज स्थित है। यहाँ एशियाई शेरों का एकमात्र घर है और अफ्रीका के बाहर शेरों का एकमात्र वर्तमान नेचुरल जो आवास है वो नेचुरल आवास के रूप में किसको देखा जाता है, अफ्रीका के बाद में गिर जो नेशनल पार्क है वहाँ पर देखा जाता है। तो मित्रों यहाँ पर हमारे पास में चार प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उनके बारे में देखिएगा।
एक तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा देखिएगा मैरीन नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा गिरनाक हिल्स के पास में गिर नेशनल पार्क। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर देखिएगा आपको एक दिख रहा है, वो है ब्लैकबक नेशनल पार्क। और इसके अलावा एक है वसंदा, ये वाला नेशनल पार्क है। तो ये जो टोटल हमारे पास मित्रों चार नेशनल पार्क है, वो चारों नेशनल पार्क गुजरात में स्थित प्रमुख नेशनल पार्क के रूप में देखा जाता है। नेशनल पार्क पूछा जा सकता है क्योंकि राजस्थान का जो रामगढ़ विषधारी नेशनल जो उद्यान था, इसको भी टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया। तो थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा मित्रों। बाकी देखिएगा मित्रों आपको यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास में अभ्यारण्य है, उनकी ज़्यादा डिटेल रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बस नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए, मोटा मोटी चार नेशनल पार्क है, वो चार नेशनल पार्क जो गुजरात है उसमें स्थित है। 21 यहाँ पर अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य स्थित है भाई। तो इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर एक और मैप में देख सकते हो, ये रहा आपका मैरीन नेशनल पार्क, गिर लॉयंस के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखिएगा आपका एक है ब्लैकबक वाला नेशनल पार्क, और यहाँ पर है वसंदा जो हमारा नेशनल पार्क है उसके रूप में इसको देखा जाता है मित्रों। ये चारों चारों नेशनल पार्क की देखिएगा लोकेशन देख सकते हो, इसका गठन कब किया गया था, कब इनको फॉर्म किया गया था, इसके बारे में भी यहाँ से आप देख सकते हो, नो डाउन कर लीजिएगा। या फिर ज़्यादा डिटेल आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती नहीं है मित्रों, गुजरात है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में भी पूरी डिटेल आपको दे रखी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आपके तब इम्पॉर्टेंट बनती है जब आप यहाँ के स्टेट PCS की तैयारी करते हो भाई। मिनरल्स के रूप में देखें तो मेनली देखिएगा ये जो यहाँ का जो ये वाला जो बॉर्डर रीजन है, यहाँ पर सबसे अधिक पेट्रोलियम के जो भंडारण है, पेट्रोलियम के भंडारण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो गुजरात मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए जाना जाता, बाकी कोई बड़ा यहाँ पर मिनरल्स है वो मिनरल्स देखने को नहीं मिलता है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट गुजरात स्टेट। होपफुली आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा मित्रों। इसके नोट्स हैं, वो नोट्स आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हो मित्रों। शानदार लगा तो कमेंट करके मुझे बताएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं बेहतरीन सेशन में, और अगले जो स्टेट है उस स्टेट के बारे में चर्चा और हम विस्तार से करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताएगा। और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड है सुरेंद्र लाइव नामक कोड है, इस कोड का यूज करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। ओके गाइज, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। गुड बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।